हमारे बाबा हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुर्भाग्य नाशक यंत्र। इस यंत्र के प्रभाव से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मनुष्य तो कर्म करता है, उसके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसका सौभाग्य और दुर्भाग्य जो है ईश्वर बनाता है। फिर भी जो है यंत्र के निर्माण से उनको सुख प्राप्त करने ऐसा हमारा लक्ष्य है। आप लोग परेशान रहते हैं, तमाम कारणों से परेशान रहते हैं, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, आप आर्थिक स्थिति से जो है परेशान रहते हैं, पैसे से परेशान रहते हैं, तो यह यंत्र जो हम लेके आए हैं यह यंत्र आपके अनेक प्रकार के जो विघ्नों को दूर करेगा, सौभाग्य की जो है वृद्धि करेगा। और यह यंत्र जो बंध्या नारी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, इस यंत्र को निर्माण करके जो है यह यंत्र उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो सबसे पहले आपको जो हमने डिस्प्ले पे यंत्र दिया हुआ है, इस यंत्र को आपको बनाना है, शुभ समय शुभ मुहूर्त में यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण कर लेने के बाद आपको यह जो यंत्र आप बनाएंगे, अगर आपके पास गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिएगा। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान शिव, मैं आपको गुरु मान के और इस यंत्र का निर्माण जो है कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे कष्टों को दूर करने में हमारी मदद करें। तो इस प्रकार जो है आपको धूप दीप वहाँ जला के और इस प्रकार भगवान शिव से आराधना कर लेनी है और इस यंत्र का निर्माण भोजपत्र पर कर लेना है। जहाँ पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर जो परेशान है, जिसका दुर्भाग्य चल रहा है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद आपको इसको भगवान शिव से प्रार्थना करके आपको ताबीज जैसा बना लेना है और इसको जो परेशान है, जिसका दुर्भाग्य चल रहा है, उसका सौभाग्य बदलने के लिए उनके गले में यह पहनाना है और यह शुक्रवार को या सोमवार को करना है। तो इससे आपको अधिक लाभ होगा और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है दुर्भाग्य का नाश होगा, सौभाग्य में हो जाएगा। तो इसी के साथ जय महाकाली, जय माता दी, भगवान भोलेनाथ सदा।